अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। आज मैं बना रही हूँ, सबको थोड़ा अजीब लग रहा होगा ये सारे सामान देखकर, आज मैं बना रही केक बेस बोट। केक के बेस के लिए बोट बना रही हूँ मैं, केक के बेस के लिए बोट बना रही हूँ, और वो बोट 10 इंचेस का होगा। उन उसके लिए ये सामान लगेंगे। जैसे सबसे पहले तो ये एक इस तरह सा एक अट्टा, वेस्ट कार्टून का डब्बा जो होता है उस तरह उसी का वेस्ट डब्बा, ये मेरे पास था तो ये मैंने यूज़ किया है। ये एक लगेगा, फिर टेप यूज़ होगा, फिर ये सीज़र लगेगी कटिंग के लिए, एल्युमिनियम फाइल की ज़रूरत पड़ेगी, और 10 इंचेस की ये प्लेट है जो इस हिसाब से मैं कट करूँगी प्लेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए मैं 10 इंचेस की प्लेट का यूज़ कर रही हूँ, तो मैं इसका मेजरमेंट कर कट कर लूँगी और एक चारकोनी बनाऊँगी। फर्स्ट टू टाइप के बताऊँगी मैं अभी इसमें। तो इस तरह से एक पेन भी यूज़ होगा, पेन के मदद से हम इसे इस तरह से टिक कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने टिक कर कट कर लिया है, एक उस तरह का कार्डबोर्ड बताऊँगी आप लोग को। ये देखिए ये 10 इंचेस का मैंने ऑलरेडी कट कर रख लिया है। ये राउंड वाले 2 बनाऊंगी और चारकोनी 1 बनाऊंगी मैं इसका। ये बिल्कुल इसी साइज का है, 10 इंचेस का है। मैं इसके बराबर इसको कट कर लेकर आप लोग को बताती हूँ। बिल्कुल आहिस्ता से राउंड शेप कट करने के लिए एक राउंड प्लेट 10 इंचेस, केक टिन भी 10 इंचेस रहता, केक टिन के इंचेस तो डिफरेंस रहते। तो ये मैंने कट कर लिया, इसको साइड कर देंगे। अभी हम फॉइल यूज़ करेंगे। तो ये देखिए मैंने इस तरह से पेपर कट कर लिया है फॉइल। अभी हम इसके इस तरह से कट्स देंगे ताकि ये फोल्ड होने में कुछ प्रॉब्लम ना हो। बस इस तरह से कट्स देते रहे। ये इस तरह से सारे कट्स हो गए। ठीक है, और मैंने टेप भी कट कर रख लिया। अभी हम इसको फोल्डिंग कर लेंगे।
ये सारा टेप इस तरह से चिपका दे। ये इस तरह से कर दे पूरा। अभी इस पे कम पड़ा तो हम थोड़ा सा और इस पे कवर कर लेंगे, मैं वो कट कर कर बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरह के दो बोर्ड बेस बोर्ड बना लिए, जो इसको पीछे कम पड़ा था मैंने उसको इस तरह से कवर कर लिया। ये एक, ये दो, राउंड शेप में दो तैयार हो गए। इस पे हम 10 इंचेस केक रख सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। अभी मैं चौकोनी बताऊंगी। चलिए उसको मैं चौकोनी कट कर लेकर इसको भी 10 इंचेस 12 इंचेस लूँगी, ज़्यादा नहीं। इस तरफ से 10 इंचेस, इस तरफ से 10 इंचेस लेकर इसको कट कर लूँगी। मैं इसको कट कर लेकर आप लोगों को बताती हूँ। नहीं आ रही, ये देखिए मैंने ये चारकोनी कट कर लिया है। अभी मैं इसको भी एल्युमिनियम फाइल से कवर कर लूंगी। ये देखिए कैपनर, ये देखिए मैंने इस तरह से इसको इधर से टेप लगाकर रोक दिया। इसको इसी तरह से, इस तरह से फोल्ड कर लेंगे हम। ये हो गया, अभी हम इसको कट कर लेंगे। कट कर लेके मैं टेप लगा कर बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये इस तरह के वो वाला बोर्ड दे दो, ये इस तरह से मैंने 3 बोर्ड्स तैयार किए। 2 राउंड वाले हैं, 1 स्क्वायर शेप चारकोनी में है। इसके ऊपर आई थिंक 2 kgs का वेट रख सकते हैं। इसके ऊपर केक का 2 kgs केक यूज़ कर सकते हैं हम, उसके लिए 2 kgs केक के लिए इसको यूज़ कर सकते। और ये रहा 10 इंचेस का, ये 14 इंचेस का है चारों तरफ से। इस तरह के बोर्ड्स है ये। आप लोग को कैसे लगे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। और जो मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसे फैमिली फ्रेंड्स में प्लीज़। ये 3 है इस तरह से, कैसे लगे आप लोग को ज़रूर बताएं कमेंट्स में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।